सो है गाइस, मेरा नाम है सोमन और आई एम द ओनर ऑफ दिस चैनल द इंडियन वर्कशॉप। और आज लाइव मैंने अनाउंस कर दिया था कि आज लाइव होने वाला है इस चैनल पे। तो मैंने 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज लिया था, उसी रिगार्डिंग आज मैंने कोई वीडियो नहीं दिया। सोचा कि लाइव वीडियो कर लेते हैं तो कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और जो भी ऑडियंस जुड़ने वाला है हमारे इस चैनल के साथ, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कि क्या आपको मोटिवेशन करना है, मतलब जो जो चैनल में होता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा मैं चाय भी लेता हूँ, तब तक ऑडियंस को आ जाने दो। हालांकि मैंने 7:30 बजे अनाउंसमेंट किया था, बट सोचा कि थोड़ा सा आगे कर देते हैं, देखते हैं कौन कौन से लोग हमें फॉलो करते हैं। बस थोड़ा सा वेट, उसके बाद हम आज का जो लाइव सेशन है वो शुरू करेंगे। और कमेंट में बताइए कि इस माइक के थ्रू ऑडियो अच्छी तरीके से आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। उस ऑल सेट होने के बाद हम आज का लाइव सेशन शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज का लाइव सेशन होने वाला है। लाइव हाँ ठीक है। देखते हैं देखते हैं कौन कौन सा लगा था टैंक का। अच्छा, और रोहित 45, भार्गव गांधी, रोहित 45। अच्छा, कमेंट्स आ रहे हैं। और हाँ, थोड़ा सा वेट करो, और थोड़ा सा वेट करते उसके बाद हम आज के लाइव सेशन शुरू करेंगे। कुछ सेटिंग वगैरह अगर हो तो कर लेते हैं, सेव हाईलाइट ये वाला चीज़ से क्या के। अच्छा, बढ़िया फीचर मुझे लगा। फटाफट कमेंट करो और देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे हमने टाइम दिया था। तो एक बार लाइटिंग का सेटअप अगर आपको दिखाएं रियर कैमरे से, तो मतलब यहाँ से एक लाइट है उसके थ्रू हम जस्ट कर रहे हैं, और ये वाला मत पूछो ये चीज़ क्या है। लाइक कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, पूरा प्रॉपर लाइक करो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। लाइक करो वीडियो को फटाफट, इसके बाद करेंगे। सो स्टार्ट करें कि नहीं करें, कमेंट में बताओ कि आज का लाइव सेशन शुरू करें कि नहीं करें, या फिर थोड़ा सा वेट करें। कमेंट में बताइए भाइयों, कर दिया लाइव। और लोग जुड़ रहे हैं, श्रीनिगामी लूसीफर, ओके, बहुत बढ़िया नाम है। कीजिए कमेंट करें फटाफट, आज के लाइव सेशन अभी स्टार्ट करें कि नहीं करें। 3 मिनट वेट हमने कर लिया है, तो आज आई होप कि आज का लाइव सेशन आज शुरू करेंगे अभी। तो फटाफट कमेंट में बताओ, अदरवाइज हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि और भी ऑडियंस आ जाने दो, उसके बाद करेंगे। बहुत हालांकि बहुत दिन के बाद मैं लाइव कर रहा हूँ, तो आज के लाइव में आप आज की लाइव राजकुमार लोहन, अच्छा नए नए लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट कर दिया लाइव। चलो स्टार्ट करो कि नहीं करो, स्टार्ट करो कि नहीं करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, उसके बाद करेंगे। फटाफट कमेंट करो फटाफट, उसके बाद करेंगे। स्टार्ट कीजिए, कर दिया लाइव, चलो। क्या खत्म, चलो आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, आज के लाइव सेशन में जो जो होने वाला है आपके हेल्प के लिए, ये लाइव सेशन होने वाला है। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, छोटी से छोटी चीज़ें आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे आपका एक ने बता दें, जो जो इस चैनल पे साथ अभी जुड़ रहे हैं देख रहे हैं वीडियो को, ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड, मॉडिफिकेशन रिलेटेड, कुछ भी अदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी अदर चीज़ें बाइक्स रिलेटेड या अदर रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो इस चैनल पे। बाकी अदर कोई कुछ चीज़ें पूछना है तो भी पूछ सकते हो, बट मेन फोकस ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड है। तो अभी मैं आपका कॉमेंट पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पहला कॉमेंट आया है
सिनिगामी लूसीफर का। मैंने जब बजाज बॉक्सर को स्टार्ट किया तो उसमें से इंजन बर्स्ट की आवाज़ आई थी और अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जब कीक मार रहा हूँ तब सर की आवाज़ आ रही है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, एक फटका का साउंड आ रहा था। अच्छा एक चीज़ बता दे, बाइक पहले मुझे बताओ, बाइक आपने मतलब रिसेंटली उसको ओपन करके रिबिल्ड किया है या फिर ओल्ड बाइक है, आपने कुछ भी नहीं किया अचानक से प्रॉब्लम आया है, उसके बाद इसका हम सोल्यूशन देंगे वीडियो के माध्यम से। मैंने जब बजाज बॉक्सर को स्टार्ट किया तो अच्छा वही सेम कमेंट हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है हमने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप तो जितने भी लोग देख रहे हैं सब प्रॉब्लम समझ में आ गया, बोल रहे हैं सर, बोल भैया जी बोल रहे हैं कि बाइक से अचानक से फट करके साउंड आई, उसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा और किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने ये मेरा एक चीज़ आप एक चीज़ मुझे जानना है कि आपका बाइक आपने रिव्यूल किया है रिसेंटली या फिर बाइक बहुत पुरानी है अचानक से प्रॉब्लम आया है, ये मुझे बताओ, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देंगे। पॉइंट करने का प्रोसेस बताइए, पेन अच्छा सॉरी रोहित 45, पेन करने का प्रोसेस बताइए, बजाज बॉक्सर में डिस लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इस महीने का एंड तक हो सकता है अगले महीने बहुत धांसू धांसू मॉडिफिकेशन आने वाला है बजाज बॉक्सर के ऊपर और अदर्स कुछ बाइक से हो सकता हो करेंगे, तो डिस्क ब्रेक लग जाएगा पहली बात। अच्छा वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन बजाज बॉक्सर में हो सकता है, थोड़ी देर अभी लाइव को हो जाने दो, उसके बाद ऑडियंस आ जाने दो, उसके बाद हम करेंगे बाकी। कौन पढ़ते हैं, ओल्ड बाइक है बस स्पार्क प्लग साफ करके लगाया था और ऐसा हुआ। अच्छा स्पार्क प्लग साफ करने के टाइम समझ गया, स्पार्क प्लग एक काम करो स्पार्क प्लग को ओपन करो अभी अभी, ओपन करने के बाद उसका गैप देखो, एक ब्लेड के या फिर दो ब्लेड का गैप होना तो होता है प्लग में, साफ करो लगा दो, लगाने के बाद अच्छी तरीके से टाइट करो, ज़्यादा टाइट नहीं करना कट जाएगा थ्रेड, नॉर्मल टाइट करो और कीक मारो, देखो कीक टाइट जाएगा, ठीक है। आपने स्पार्क प्लग को लूज छोड़ा इसलिए वहाँ से कॉम्प्रेशन लीक कर रहा है, इसी हिसाब से आपका फट फट करके साउंड आएगा, मतलब जैसे बॉम्ब फटता है ना तुम करके फट करके ऐसा टाइप का साउंड आएगा अगर आपने स्पार्क प्लग लूज छोड़ा है या फिर वहाँ से कुछ लीकेज हो रहा है, तो वो करो इसके बाद कीक मार के देखो कॉम्प्रेसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉम्प्रेसर अगर आ रहा है तो मुझे बताना, कॉम्प्रेसर नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताना, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, मैं इधर ही हूँ लाइव में, तो आप अभी करो करने के बाद मुझे बताओ। नेक्स्ट कमेंट बढ़ते हैं, किया है सब्सक्राइब रोहित 45 ओल्ड। अच्छा चलो ये वाला ख़त्म। राजकुमार खान, प्लाटिना BS6 का माइलेज टेस्ट कैसे सेट करें? हाँ जो 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 गाइस प्लाटिना के ऊपर कमेंट करने वाले हो, प्लाटिना के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे चैनल पे जाओ एक प्लेलिस्ट बनाई है माय प्लाटिना बजाज प्लेनेज गियर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि प्लाटिना का माइलेज एडजस्ट कैसे करें या फिर ट्यूनिंग कैसे करें फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, वो वाला वीडियो देखो हमने सेट करके दिखा है, बहुत ईजी है, तो वीडियो देखो उसके बाद समझ नहीं आया तब कमेंट करो। पेन करने का प्रोसेस, हाँ यस लीकेज है, कॉम्प्रेसर आ रहा किक में लेकिन हवा निकल रही है कहीं से लग रहा है। अच्छा हवा निकल रहा है तो फिर एक काम करो, अगर आपके पास सॉरी अगर आपके पास इंजन ऑयल है, इंजन पुराना इंजन ऑयल, इंजन ऑयल को पहले स्पार्क प्लग हमने टाइट कर दिया, स्पार्क प्लग के होल में ही मतलब स्पार्क प्लग के चारों तरफ डालो, ज़्यादा ज़्यादा रख करके डालो, ठीक है। डालने के बाद किक मारो, अगर वहाँ से लीकेज आएगा ना तो वो बबल के रूप में फॉर्मेशन होगा, तब पता चलेगा कि वहाँ से लीकेज है, और वहाँ से लीकेज नहीं है तब आपको एक काम करना पड़ेगा, आपका हेड का जो बोल्ट होता है मतलब ये आपका ब्लॉक हो गया उसके ऊपर हेड बैठता है, इस जॉइंट में इस सरफेस में लीकेज होता है हाँ बजाज बॉक्सर में 100%, तो वहाँ से फट फट करके साउंड आता ही है, तो वो वाला चेक करना पड़ेगा। बाकी देखो स्पार्क प्लग वाला चीज़ अगर पहले देखो लीकेज हो रहा है तो मोबाइल डाल के देखो बबल फॉर्मेशन आएगा उससे आपको पता चल जाएगा, तो यही है। और हाँ अभी तो पहले यही करो उसके बाद देखेंगे। पसंद BS6 का माइलेज टेस्ट करना,
लेकिन ये कंप्रेसर आ रहा है किक में, लेकिन हवा निकल रही है। हाँ ठीक है, तो पेन करने का प्रोसेस कोई भाई आ जाए, रोहित 45 कौन कर दे पेन करने का प्रोसेस। देखो पेन करने का प्रोसेस मैं तो प्रोफेशनल हूँ नहीं, और मुझे उतना अच्छी तरह से आता भी नहीं है पेंटिंग प्रोसेस, डेंटिंग प्रोसेस, बट स्टिल मैंने जो भी सीखा है वीडियो देख के या फिर दूसरों को देख के वही मैं किया था। तो पेंटिंग का प्रोसेस मुझे जब तक लगता है, अगर आप न्यू बिगिनर हो तो एक काम करो, मान लो एक आपका आप टैंक पेंट करो, टैंक किसी भी जगह, टैंक पेंट बेसिक नॉलेज सुन लो, उसको पहले पानी से धो, पानी से धोने के बाद उसको सुखाओ, सुखाने की भी ज़रूरत भी नहीं है, पानी के धोने के बाद अच्छी तरीके से एकदम 220 या 230 mm का सैंड पेपर आता है बिल्कुल मी मी वाला, तो उसको घस घसो, उसके बाद देखो पूरा सरफेस स्मूथ हो जाएगा। जब तक आपका बाइक का सरफेस स्मूथ नहीं होगा पेंट करने के बाद भी प्रॉब्लम आएगा, तो पहले घिसाई होगा, उसके बाद फिर से उसको धोएंगे हम, धोने के बाद उसको धूप में सुखाएंगे, जब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब लोहा थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म होने लगा है, उसके बाद हम प्राइमर करते हैं, प्राइमर के बाद सूखने के बाद धूप धूप में सूखने के बाद हम फिर से घिसाई करते हैं, प्राइमर करने के बाद घिसाई करते हैं, देखते हैं कि अनइवन सरफेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर घिस के अनइवन सरफेस हुआ है प्राइमर के बाद भी तो हम उसको घिस के स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ करने के बाद पानी से धोते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हो गया, पानी के धोने के बाद उसको सुखाते हैं धूप में, और टेम्परेचर थोड़ा सा अगर लोहा गर्म हो जाए उसके बाद हम फाइनल पेंटिंग का प्रोसेस कोट मतलब दो कोट करते हैं, एक कोट पहले सूखने के बाद सेकेंड कोट कंप्लीट। ऐसे मैं पेंटिंग करता हूँ, और मुझे पता है कि ये वाला प्रोसेस प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं आगे ट्राई करूँगा कि मैं सीखूँ पेंटिंग का प्रोसेस, और बहुत प्रॉपर टूल्स भी चाहिए होगा। तो और जिस जगह आप पेंट कर रहे हो देखो कि मिट्टी विट्टी ना उड़े, अगर पेंट करने का टाइम बाहर हवा आया मिट्टी का कुछ पार्टिकल्स गिरा तो पेंट का ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपको वापस से उसको उठा के नॉर्मल पेंटिंग करना पड़ेगा। और एक पेंट रिमूवर आता है अमेजोन में मिल जाएगा सेम में भी, तो उसको अप्लाई करने से पेंट पहले मतलब पहले वाला जो पेंट है वो उठ जाता है। ठीक है, तो आइडिया ले लो यही से हम करते हैं। तो नेक्स्ट कौन पढ़ते हैं भाई लोग, ये वाला तो हो गया, कोई ऑनलाइन शॉप बताएं जहां बॉक्सर के पार्ट्स मिले। बॉक्सर के पार्ट्स पहले बात बताओ आप, बॉक्सर के पार्ट्स तो नॉर्मल आपके पास अगर पार्ट्स का शॉप है आपके इलाके में तो वही बॉक्सर का पार्ट्स मिल जाता है। ऑनलाइन शॉप बताएं तो मैक्सिमम ऑनलाइन शॉप में क्या है बताए ना, लोकल चीज़ें मिलती है, ओरिजिनल मिलता ही नहीं, यही है। बट मैं एक शॉप जानता हूँ, मैं अगर वो शॉप का ऑनलाइन साइड बता दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम होने पे आप मुझे बोलोगे कि आपने बताया था। तो फिलहाल तो कोई ऑनलाइन शॉप नहीं है, वैसे आप शोरूम में पता कर सकते हो, और शोरूम में पता करो, और पार्ट्स के दुकान में जहाँ पे आपका लोकल मैकेनिक पार्ट्स खरीदने जाता है जिस दुकान पे उसके पता करो, तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाएगा, तो लोकल पार्ट्स मत यूज़ करो। बाकी एकदम नहीं मिल रहा है फिर मुझे बोलो, मैं एक साइट के बारे में बताऊँगा, नॉर्मल अच्छा साइट है, होम डिलीवरी हो जाता है, बट आपको ऑनलाइन पहले पेड मतलब पे करना पड़ता है। प्लीज़ टेल अबाउट इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन अबाउट न्यू बाइक इफ अच्छा इंस्टॉलमेंट्स अबाउट नोमा की फाइनेंस न्यू इंडिया, कितना हमने फाइनेंस दिया है, मैं देता हूँ अभी कितना फाइनेंस, कैसे फाइनेंस कैलकुलेट करते हैं, मैंने वीडियो बनाई है दो वीडियो, पहले तो एक BS4 या फिर BS6 पल्सर 220 के बारे में बताइए, सेम प्रोसेस है, और मैंने प्लाटिना के ऊपर वीडियो बनाई है कि मैंने कितने में लिया है, कैसे कितना मुझे पे करना पड़ रहा है, कितने परसेंटेज मुझे पे करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर। बाकी आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम फॉलो कर लो कि आपके कौन से बाइक के लिए आपको जानना है कि इसका EMI कितना आएगा, कि ऑनलाइन पे इसके हैं आपके इलाके में, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। बाकी प्रोसेस जानना चाहते हो, खुद कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई है। चैनल देखो कोई वीडियो अगर मेमोरिया देखना चाहते हो सर्च करो, मान लो आपको देखना है प्लेटिना का माइलेज टेस्टिंग वीडियो, मैंने बहुत मान लो दिन पहले बनाई है, बट आपको मैं तो लिंक नहीं देता, ढूंढ ढूंढ के लिंक कितने को लिंक दूँ, तो आप सर्च कर लो प्लेटिना माइलेज टेस्टिंग द इंडियन वर्कशॉप, जो टॉपिक आपको सर्च करना है उसके बाद मेरा चैनल का नाम लिख दो, आपका वो वीडियो पहले आ जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरे में आ जाएगा, तो ऐसे सर्च कर लो, नहीं मिलता है फिर मुझे कमेंट करो ना। तो मैंने दो वीडियो बनाई है, सर्च कर लो कि
कि BS6 2020 इंस्टॉलमेंट जो भी है इंस्टॉलमेंट फार्मूला दाई नैनोक शॉप सर्च कर लो मिल जाएगा आपको, यही है। और सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा अगेन कि कुछ भी टॉपिक अगर फाइंड करना चाहते हो मेरे चैनल पे है बहुत सारे वीडियो, तो वो वाला टॉपिक सर्च मतलब लिखो और उसके बाद लिखो मेरा चैनल का नाम, आपको वो टॉपिक अगर मेरे चैनल पे है तो मिल जाएगा। हाँ ऐसी बात है। तो गाइज जितने भी लोग देख रहे हैं अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है मज़ा आ रहा है आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ वीडियो को लाइव के माध्यम से, तो लाइक कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक मत करो, अगर पसंद आ रहा है आपको हेल्प हो रहा है तो लाइक कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट फोन बढ़ते हैं। हेलो अच्छा असलम मंसूरी भैया हेलो, हाँ हाँ जी हेलो। सुरजीत मंडल होम टाउन नेम, मेरा होम टाउन का नेम है कोलाघाट, पिन कोड है 7111134 और स्टेट है वेस्ट बंगाल। प्लीज़ टेल अबाउट, अच्छा ये वाला तो हो गया। सिंह हैप्पी सिंह भैया, राजकुमार लोहन प्ले 100 cc डिस्क ब्रेक मिलेगा, कंपनी वाले बोलते हैं कि सेट नहीं होगी। प्लैटिना 100 cc में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन कंपनी दिया है, मतलब डिस्क ब्रेक वाला बाइक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो अगर आपके पास ओल्ड प्लैटिना है तो उसी का पार्ट्स मतलब जिसमें डिस्क ब्रेक है 100 cc में उसी का पार्ट्स लगा कर दो। तो कंपनी का सीन क्या है पता है, कंपनी का सीन ये है वो झमेला नहीं लेना चाहता। अगर आपके पास मान लो वेल्व लीक कर गया, आपका वेल्व लीक कर गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो कंपनी वाले क्या करेंगे, वेल्व ग्राइंडिंग नहीं करेंगे, वो सीधे हेड चेंज कर देंगे। हेड आता है 6000-7000 का और आपका वेल्व आता है 250-300 रुपये का। तो अगर लोकल मैकेनिक के पास जाओगे वो वेल्व को रिप्लेस करके ग्राइंड करके रिपेयर कर देगा, हेड को बाइक का जो हेड होता है, तो कंपनी वाले हेड चेंज कर देंगे। स्पीडोमीटर में कुछ स्क्रैच आया उसका अपर पोर्शन चेंज हो जाता है 200-300-400 रुपये में, कंपनी वाले पास जाओगे तो वो पूरा स्पीडोमीटर ही चेंज कर देंगे, 3-3500 का आता है स्पीडोमीटर। तो ये सीन है, कोई झमेला नहीं लेना चाहता कंपनी वाले। तो कुछ भी करना चाहते हो लोकल मैकेनिक को पकड़ो जिसके पास नॉलेज है और वो कर देगा इजीली, पैसे थोड़ा सा लेगा बट कर देगा, उतना नहीं लगा कि कंपनी वाला कर देगा, और अदर्स पार्ट भी आपको सजेस्ट भी कर देगा कि इस बाइक का लगाओ इस बाइक का अच्छा होता है तो कर देता है। तो लोकल मैकेनिक को पकड़ो कोई अच्छे वाला, फिर आपका काम हो जाएगा, लग जाएगा डिस्क ब्रेक किसी भी बाइक में, लग जाएगा किसी भी बाइक में, कोई मतलब डिस्क ब्रेक 100% लग जाएगा, चाहे आपका ओल्ड बाइक हो। मेरा बजाज वर्सल 1998 1996 मॉडल है, उसमें मैं डिस्क ब्रेक करूँगा आने वाले टाइम में, उसको मॉडिफाई करूँगा तो लग जाएगा भाई। और अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थोड़ा सा रुक जाओ, तो मैं जब करूँगा तो प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कितना खर्चा आता है, अगर न्यू परचेस करते हो न्यू पार्ट्स लगा के कौन सा बाइक का पार्ट्स आप परचेस करोगे, कौन सा बाइक का परचेस करने से सस्ते में होगा और टिकाऊ होगा, तो डिटेल में वीडियो बनाऊँगा जब मैं बजाज वर्कशॉप में फ्रंट में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करूँगा और उसको मोनोशॉक सस्पेंशन भी करूँगा जैसे KTM में आता है वैसा वाला करूँगा करूँगा। बहुत बात कर ली। संजीव घोष, प्लैटिना B6 में टैपी सेटिंग वीडियो चाहिए, प्लैटिना B6 में टैपी सेटिंग वीडियो, मतलब मेरा प्लैटिना B6 हो चाहे 100 cc हो चाहे 110 cc हो सेम प्रोसेस है, तो टैपी सेटिंग अच्छा मैं ध्यान में रखूँगा, आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा कि मेरे प्लैटिना के ऊपर टैपी कैसे सेट करते हैं वो वीडियो बनाऊँ, तो हाँ बनाऊँगा। आप मुझे बेहतर हेल्प के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में ये वाला कमेंट करें कि टैबलेट सेटिंग का वीडियो आपको बनाना है, वरना मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और मैसेज करें, बाकी आपको आगे वीडियो मिल जाएगा। तो प्लैटिना बाइक में हो गया। रोहित 45, सर कितने बड़ा टायर लगा सकते हैं बॉक्सर में, और सर फ्रंट शॉक कैसे चेंज करें, फ्रंट सस्पेंशन चेंज करना चाहते हो भाई कर दो चेंज भाई, फ्रंट सस्पेंशन में क्या है, और बजाज बॉक्सर में देखो, बजाज बॉक्सर में चाहे तो आप 150 का डालो 140 का डालो लग तो जाएगा लग जाएगा, बट उसका आपको स्विंग आर्म चेंज करना पड़ेगा।
तो मैक्स टू मैक्स आप उसमें 120 सेक्शन का टायर इंस्टॉल कर सकते हो। देखो देखो, बाइक के हिसाब से एक फिनिशिंग बात है, अगर आप वो वाला बाइक में, पतला बाइक में ज़्यादा ही मोटा टायर डालोगे तो उसका लुक्स अलग हो जाएगा। पतला बाइक में मोटा टायर डालो लुक के हिसाब से, ठीक है। अगर आप XL 100 पे, TVS XL 100 पे हायाबुसा का टायर लगाओगे तो हो गया, तो मोटा टायर तो हो गया, क्या अच्छा लगेगा वो बाइक? क्या खींच पाएगी उसको? चलाने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिनिशिंग होता है ना, तो 100 सेक्शन का टायर, उसका जो स्टॉक शूज़ में 100 सेक्शन का टायर लग जाएगा, पल्सर 150 में जो आता था ओल्ड वाला में, और 120 सेक्शन जो पल्सर 220F में आता है वो वाले के लिए उसका आपको स्विंग आर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ स्विंग आर्म को चेंज कर दो। देखो स्विंग आर्म ज़्यादा महंगा नहीं आता है और आपका फिनिशिंग प्रॉपर होगा, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को कैसे आसान बनाई जाए इसके ऊपर कंपनी वाले रिसर्च करते हैं, पता है आपको? चीज़ों को कैसे आसान कीजिए। देखो चीज़ें तो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड करके, पर उसको कैसे आसान वे में, सिंपल वे में हो जा हो, मतलब हो जाए, उसके ऊपर कंपनी रिसर्च करती है और आपको चीज़ें आसान करके कंपनी देती है, ठीक है। बाकी यही बात है, चीज़ों को आसान कैसे किया जाए, तो स्विंग आर्म चेंज करने से हो जाता है। तो नॉर्मल 100 सेक्शन का टायर आप डाल सकते हो तो परफॉर्मेंस उतना डिक्रीज नहीं होता है। बाकी सर कितना बड़ा होगा बॉक्सर? ABS वाला डिस्क लगाएं क्या सर? हंसन मत भाई, हंसना मत भाई, बॉक्सर ABS वाला डिस्क रखें। अच्छा हंसी तो आ रही है, ठीक है आप बोल रहे हो तो हम नहीं हंसेंगे, बाद में हंस लेंगे। बट आपने एक चीज़ बोला है ABS इंस्टॉल करें, भाई ने बहुत एक बहुत अच्छी टॉपिक बताई है, ABS इंस्टॉल कर। देखो 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 सर, हमें आपसे मिलना है, रोहित 45 भाई आप कहाँ पर रहते हो वो वाला बताओ, हम तो हमने अपना एड्रेस शेयर कर दिया। तो देखो आपको टॉपिक पकड़ते हैं, किसी भी बाइक में अगर आप डिस्प्ले लगाना चाहते हो तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, उसमें ABS सिस्टम करना चाहते हो तो। देखो ABS सिस्टम में क्या होता है, ABS सिस्टम किसी भी बाइक में रिसर्च करना पड़ेगा, ABS सिस्टम किसी भी बाइक में, मतलब जिसमें ABS नहीं आता उसमें ABS, तो ABS का सेंसर होगा, ECU होगा, नहीं बजाज बॉक्सर में नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो ABS सिस्टम अगर आप लगाओगे तो पहले बात तो उसका महंगा खर्चा पड़ेगा, मान लिया आपने मतलब खर्चा झेल लिया, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ABS का एक यूनिट आता है जो ऑयल रिजर्वर एक यूनिट आता है वो आपको लगाना पड़ेगा, वो लग जाएगा, बट ABS को जो कंट्रोल करेगा ECU, वो उसका वायरिंग अगर आप करोगे तो 80% वायरिंग हो जाएगा, बट उस यूनिट को, ABS वाला यूनिट को आप पावर देना पड़ेगा ना, 12 वोल्ट का पावर देना पड़ेगा। बजाज बॉक्सर में आप बड़ा बैटरी तो लगा नहीं सकते, लगाओगे मॉडिफिकेशन करके हो जाएगा, बट उसको पावर देने में प्रॉब्लम होगा, अगर ECU को पावर अच्छी तरीके से नहीं मिला तो ABS सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इतना सारा आपका मेहनत फेल, तो इसलिए नहीं लग सकता, इसलिए नहीं लग सकता, अदरवाइज लग जाएगा, लगाना चाहो तो लग जाएगा बट कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं कहूँगा उसका रिजल्ट जीरो है, कोई यूज़ का काम का नहीं है तो नहीं लग सकता। डिस्क ब्रेक नॉर्मल लग जाएगा किसी बाइक में। बाकी अगर अब बोलो कि होंडा साइन में मैं मुझे ABS सिस्टम करना है तो लग जाएगा, ओल्ड बाइक में जिसके पास 2.5 LV बैटरी होता है, चार्जिंग सिस्टम वीक होता है तो उसमें नहीं लग सकता, मैंने आपको रीज़न बता दिया। सर क्या प्लैटिनम एज गियर का ऑयल फिल्टर हर सर्विस में चेंज करना चाहिए? देखो प्लैटिनम एज गियर का ऑयल फिल्टर हर सर्विस में चेंज होना चाहिए, जी हाँ हर सर्विस में ही होना चाहिए। अगर आप एक सर्विस मिस कर देते हो, मतलब देखो पहली बात, प्लैटिनम का जो ऑयल फिल्टर आता है 30-40 रुपये में आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो काहे इतना रिस्क ले रहे हो 30-40 रुपये से? 30-40 रुपये के लिए ना आप, अगर आप मान लो आपने पहली बार चेंज नहीं किया है तो अगले जब आप
2,500-3,000 पे चेंज करोगे तो वो 2,500-3,000 किलोमीटर पे आपका दिमाग में एक सरदर्द बैठा रहेगा, डर डर के चलाओगे कि मैंने इस टाइम तो ऑयल चेंज मतलब ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया है, तो मतलब मैं हाई रेविंग कर रहा हूँ, तो अरे डर डर लगा रहेगा। तो काहे 30-40 रुपये के लिए 3,000-4,000 किलोमीटर तक मतलब 3-4 महीने तक अपने दिमाग में डर लेके बैठो, डर लेके मोटरसाइकिल चलाओ, काहे चेंज कर दो। कंपनी बोलती है चेंज करो, रूल ये है चेंज करो, अगर नहीं चेंज कर सकते तो भी चल जाएगा, एक सर्विस अब पेंडिंग कर सकते हो, मतलब एक फिल्टर को आप 4-5 हज़ार किलोमीटर चला सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है, तो चेंज कर दो। चेंज कर दो सर, क्या अपडेट? अच्छा हो गया। अच्छा ये वाला कमेंट था, अमूल 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 लस्सी, अमूल नायक, सॉरी भाई लस्सी हमने नहीं बोला आपको, कान पकड़ते हैं, अमूल नायक। तो गाइस हमने सारा आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है, तो जो भी लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हो, प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट करो फटाफट। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैं अभी एक चैलेंज में लेके चल रहा हूँ, 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज। आज का डे मैं पता नहीं मुझे याद नहीं, तो देखना पड़ेगा। तो आज एक वीडियो आने वाला था, पर डे एक वीडियो, तो मैंने सोचा आज वीडियो नहीं बनाते हैं, आज एक लाइव कर देते हैं, तो बहुत दिन से हमने लाइव नहीं किया है, तो ये भी एक वीडियो का पार्ट है, तो उस हिसाब से हमने चैलेंज अभी तक नहीं आ रहा है, वीडियो तो हम दे रहे हैं तो नहीं आ रहा है जी। गाइस पर्यटक का मैनुअल बुक में सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर लिखा है, वो सच है क्या? 10,000 किलोमीटर कर लो फिर। देखो मैं कंपनी के ऊपर तो कुछ बात नहीं कर सकता ना, अगर आप 10,000 किलोमीटर पे हर सर्विस कराओगे तो आपका बाइक तो चलेगा, सही भी चलेगा, बट 1 साल 1.5 साल के बाद आपका बाइक का इंजन ओपन हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बाइक को रखना चाहते हो तो नॉर्मल 2,500-3,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करो, सर्विस कराओ। सर्विस मतलब सर्विस आप देखो, सर्विस आप 5,000-6,000 किलोमीटर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ऑयल चेंज, एयर फिल्टर क्लीनिंग, जो बेसिक सर्विस होती है, बेसिक सर्विस, वो आप 2,500-3,000 किलोमीटर पे कराओ, आपका बाइक अच्छी चलेगी। अदरवाइज 10,000 किलोमीटर पे गैप करके चलाओगे, बजाज की बात सुनोगे, तो बाइक आपका कुछ मतलब पहले पहले अच्छा चलेगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपने सर्विस की नहीं, मतलब उसका केयर नहीं किया, तो ये बात है। सर हम औरंगाबाद बिहार से हैं, अगर हम हावड़ा आते हैं तो कैसे आपके पास पहुँचे? बाइक मॉडिफाई करवाना करवाने हैं। अच्छा आप है बिहार से? हाँ बिहार में भी मैं एक फ्रेंड था, अभी भी है। तो देखो हावड़ा अगर आप आते हो बाई ट्रेन, तो हावड़ा से ट्रेन पकड़ के कोलाघाट आ सकते हो, 1.5 घंटा टाइम लग, 1.5 घंटा, तो टिकट है 15 रुपये का टिकट, 1.5 घंटा ट्रैवल करो मेरे इलाका में, मतलब कोलाघाट में आप स्टॉपेज ले सकते हो, बाकी वहाँ से मैं आपको पिक कर लूँगा, तो ऐसी बात है। तो अगर आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो आपको बाइक भी तो लाना पड़ेगा ना, तो बाइक बाई ट्रेन आ जाता है, अभी तो आज से मैं भी ट्रेन चालू कर दे वेंसडे से, तो बाकी जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो आप बाई ट्रेन बाइक ला सकते हो और मेरे घर पे लाओ, फिर हम आपका बात सुनेंगे कि अगर आप करवाने हैं कि क्या बजट है, यही बात है। बाकी आप मिलना चाहो तो हावड़ा आके मुझे कॉल कर सकते हो, और हावड़ा से बाई ट्रेन आप 1.5 घंटा ट्रैवल करके मेरे घर का लोकल स्टेशन में उतर सकते हो, इजी रूट है, बिहार ज़्यादा दूर नहीं है बट टाइम लगेगा। राजकुमार लोहन, माइलेज कितना बेसिक्स का कैसे सेट करें? अच्छा हाँ, गाइस माइलेज टेस्टिंग बेसिक्स का नहीं होता है, क्योंकि उसको ईसीयू कंट्रोल करती है, और बाकी उसका आरपीएम बढ़ा सकते हो, मैंने माइलेज टेस्टिंग के वीडियो में बताई है कि बेसिक्स का आप माइलेज सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट वो एयर मिक्सचर को रेशियो को इंद्र अंदर मतलब इंजन के अंदर भेजती है अपने हिसाब से प्रोग्राम करके, कितना साइलेंसर से ऑक्सीजन निकल रहा है, अब इनटेक जो एयर ले रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर सेंसर, थर्मल टीपीएस सेंसर, थर्मल पोजिशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर,
और एक सेंसर में भूल गया, तो उसको सिग्नल देता है और वो उसके सिग्नल से हिसाब से एयर ब्रेक कितना मिक्सचर मुझे इंजन के हेड के अंदर या फिर सिलेंडर के अंदर डालना है वो डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमने BS6 में क्या है, हम मैनुअली सेट करते हैं अपने हिसाब से, BS6 में ही होता है। तो जो परफॉर्मेंस आपको शुरू से मिल रहा है वही लास्ट तक भी मिलेगा, बाकी आप सेट नहीं कर सकते, और बट उसका RPM में सेट कर सकते हो। यही बात है BS6 और FI गाड़ी का तो मत पूछो भाई, FI का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है, बाकी पता नहीं तब पता नहीं तब पता नहीं, मतलब बोलने में शर्मानी कैसी, पता नहीं BS6 मतलब FI का मुझे कुछ पता नहीं, FI गाड़ी का पता ही नहीं, ज़्यादा कुछ पता नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है। तो बाकी आई लव कार्बोरेटर, मुझे कार्बोरेटर वाली गाड़ी ज़्यादा पसंद है ओवर FI, क्योंकि वो आसान रहता है और उसको कोई भी ठीक कर सकता है और उसको रिबिल्ड करने में बहुत कम खर्चा आता है, इजी टू मैनूवर है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और ख़राब बहुत कम होता है, तो मॉडिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नर इज बेस्ट ऑलवेज। माइलेज अच्छा गाइज, आप 6 लोग देख रहे हो, 7 कमेंट किए हो, बाकी टाइम कितना हो गया, 7:30 तो हो गया ना, हाँ 7:30 हो गया, मे बी अभी लोग आएंगे क्योंकि मैंने 7:30 बजे का, भाई 7:30 भी अभी नहीं भेजा, देखते हैं 7:30 बजे, आप मेरे पास इनफ टाइम है आज, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलना अगर कुछ भी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो देखते हैं। और गाइस जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ कैसे होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, थोड़ा सा बताओ कि हम भी सोचे कि हम कितना मतलब कैसा वीडियो बनाते हैं, तो प्राइवेट कमेंट में बताओ कैसे होते हैं, क्या दिक्कत आती है उस वीडियो में। रोहित वडेरे सर, आपने बात करने का बहुत अच्छा लगा, जैसे प्लान बनाते हैं तो हम, हाँ जी जी हम तो हम आएंगे हावड़ा 1 से पहले आपको इंस्टा पे मैसेज कर देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम अगर आप आते हो मिलने के लिए तो इंस्टाग्राम में मुझे 24/7 मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई तो मिल ही जाएगा, बहुत से कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है बाय, आप इंजॉय करें वीडियो को, मेरा जितने भी वीडियोज़ हैं, तो कल वाला वीडियो मैंने अभी टॉपिक सोचा नहीं है कि कल मैं क्या वीडियो डालूंगा, बाकी देखते हैं कल क्या वीडियो डालती है। एक्चुअली बहुत सारा प्लान है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें परचेस करके मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है, बट थोड़ा सा शॉर्टेज है, शॉर्टेज नहीं है ही नहीं अभी, इसलिए अब नहीं है तो नहीं है, अगले महीने ट्राई करूँगा कि किल स्विच परचेस करूँ, दो या फिर एक मतलब स्विच परचेस करो, एक अलग से मतलब मोटिवेशन वाला स्विच, मुझे बहुत इच्छा है कि स्विच परचेस करूँ, और दो तीन चीज़ें और परचेस करके मैं वीडियो बनाऊँ, बट इस महीने में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि नहीं है। तो सर आपने बहुत अच्छा, आकाश दास, आकाश दास मतलब बंगाली, तो बताओ मैंने बहुत बातें कर ली, अभी काम की बातें करते हैं, तो फटाफट बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके पास बाइक है स्कूटी है क्या दिक्कत है मुझे बताओ, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। और हाँ मेरा एक बंगाली चैनल है, बंगाली ब्लॉग चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरा सेकेंड चैनल करके नाम है, तो वहाँ उसको जाओ सब्सक्राइब करो और उस वीडियो को देखो, वहाँ पे अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो उस चैनल पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, पर डे वीडियो ट्राई करूँगा कि आए ब्लॉग वाला, तो बाकी इस चैनल में मैंने ब्लॉग देने की कोशिश की थी बट उतना चला नहीं, तो मॉडिफिकेशन ट्रिक्स ने टेक्नोलॉजी इस चैनल पे ठीक है, बाकी इस चैनल पे मैं ज़्यादा लोचा नहीं करने लगा, जो हो रहा है वही मैं करूँगा, मॉडिफिकेशन ट्रिक्स टेक्नोलॉजी और कुछ आपको अदर्स चीज़ें टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल रिलेटेड वही सीन इस चैनल पे रहेगा, बाकी फटाफट कमेंट करो, मे बी 7:30 बजे हमने टाइम दिया था तो इसलिए हिसाब से मे बी लोगों को पता नहीं चल रहा। ओके ब्रो, लव फ्रॉम वेस्ट वेस्ट त्रिपुरा, बिग फ्रेंड श्री जी बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल जैस, और अच्छा, आप
त्रिपुरा से कौन एक मेरा रेगुलर व्यूअर है, त्रिपुरा ब्लॉग करके एक रेगुलर मेरे वीडियो पे कमेंट करता है त्रिपुरा से ही, तो बहुत बढ़िया ऐसे पेयर मिलता रहा तो बहुत बढ़िया होगा। तो काम की बातें करते हैं, बजाज बॉक्सर में हम देखो कौन कौन सा मॉडिफिकेशन, हाँ मैं जो बोल रहा था बजाज बॉक्सर में कौन कौन से मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं आगे, और डेफिनेटली करेंगे। पहली बात, बजाज बॉक्सर में हम करेंगे डिस्क ब्रेक सामने। सेकंड बात, बजाज बॉक्सर में हम आगे फैट टायर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और विथ कलर स्पोक वाला ही मैं इंस्टॉल करूँगा, स्पोक वाला, मैं उसमें अलॉय व्हील नहीं डालूँगा क्योंकि बाइक स्पोक से ही बनी है तो स्पोक और स्पोक व्हील बहुत अच्छा रहता है। तो जब थर्ड बात, हम उसमें करेंगे स्पीडोमीटर चेंज, कस्टम ब्रैकेट, कस्टम हेडलाइट, कस्टम हैंडल, डिस्क ब्रेक तो हम इसमें डाल ही रहे हैं, दूसरे बाइक का टैंक, टैंक का फेंटिंग, पीछे का पूरा जो फ्रेम है उसको हम कट करके पूरा ही उड़ा देंगे, पूरा ही पूरा हम फ्रेम खुद से डिजाइन करेंगे, रीफ्रेम करेंगे उस बाइक को, और उसका कस्टम पैनल, दो पैनल साइड पैनल हम खुद से बनाएंगे, पीछे का पूरा सेक्शन न्यू मतलब कस्टम हमने बनाया, उसके बाद पीछे का शॉकर है हम डुअल शॉक आते हैं उसमें हम मोनोशॉक करेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मोनोशॉक करूँ, अच्छा एक अलग डिज़ाइन के साथ, डुकाटी वाला जो डिज़ाइन आता है तो वो वाला डिज़ाइन करेंगे हम, और पीछे हम फैट टायर मोटर टायर इंस्टॉल करेंगे, पीछे हम डिस्क अभी नहीं करेंगे पेंडिंग रखेंगे, पीछे डिस्क हम बाद में करेंगे पीछे, तो पीछे हम फैट टायर इंस्टॉल करेंगे, स्विंगर उसको हम चेंज करेंगे, वो वाला स्विंगर मतलब स्टॉक स्विंगर हम नहीं रखेंगे, और चेन कवर मॉडिफिकेशन करेंगे, पीछे टेल लाइट LED होगा, अच्छा उसके इंडिकेटर LED होगा, और एक ओवरऑल लुक्स कैफे रेसर वाला होने वाला है, अदर लुक्स भी होने वाला है, बहुत सारे प्लानिंग है भाई गाइज। तो बजाज बॉक्सर को सपोर्ट करना, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना कि मैं अगले महीने में भी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर सकूं, तो सपोर्ट करना इस चैनल को, बाकी जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतने जल्दी अच्छी अच्छी कॉन्टेंट वाली वीडियो मिलेगी आपको। तो यही प्लान है बजाज बॉक्सर के लिए, और आशा करता हूँ आपको जो सीरीज़ होने वाला है बजाज बॉक्सर का बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत मज़ा है, और जो जो मैं करूँगा A to Z डिटेल के साथ कितना प्राइस लगा, मतलब प्राइसिंग वाला थोड़ा हम बताएंगे कैसे हुआ, A to Z चीज़ें हम आपको बताएंगे, कौन किस बाइक का पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या मॉडिफाई करना पड़ रहा है। तो A to Z मेरे चैनल पर अगर लैंड किए हो आप तो आपको जो मैं बनाऊंगा जो मैं करूंगा उसके बारे में A to Z नॉलेज आपको दूंगा। तो इस तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, अभी मे भी लोग आएंगे क्योंकि 7:30 बजे अभी बजने वाले हैं, मैंने 7:30 बजे अनाउंसमेंट किया था तो 38 मिनट हो गए, तो कमेंट करो, बाकी देखते हैं कमेंट आया कि नहीं आया, नहीं फटाफट कमेंट करो और आगे कंटिन्यू करेंगे लाइव सेशन को। रेड ऑक्साइड प्राइमर क्या यूज़ करो, सिल्वर मैट क्या करो रेड ऑक्साइड, हाँ रेड अच्छा लोहे के ऊपर रेड ऑक्साइड का प्राइमर होता है, और उसके बाद नहीं हाँ रेड ऑक्साइड ही करो, रेड ऑक्साइड करने के बाद वो मतलब जंग प्रतिरोधी एक केमिकल होता है, उसके बाद आप कलर कर सकते हो, वो प्राइमर होता है वन टाइप ऑफ, तो वो यूज़ करो। तो पेंटिंग के बारे में मुझे जितना आता था मैंने आपको बता दिया है, बाकी अगर आपका प्रोफेशनल पेंटिंग करवानी है तो वो तो मैं करने नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं खुद से नहीं करता, मतलब मॉडिफिकेशन अगर होता है तो कर दूंगा क्योंकि मैं दूसरे लोगों के पास पेंटिंग के मतलब पेंटर के पास जाके वहाँ से करवाऊँगा, बाकी मैं खुद से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि प्रोफेशनल पेंटिंग मैं तो हूँ नहीं, तो यही बात है। बट एक पेंटिंग वाला को पकड़ना पड़ेगा अच्छे से, जबकि मेरे मतलब सेटिस्फेक्शन वाला काम वो करके दे पेंटिंग के मामले में, बाकी कस्टम डिजाइनिंग तो हम कर ही रहे हैं, सिल्वर मैट क्या नहीं रेड ऑक्साइड कर दो, अच्छा रोहित 45 हो गया हो, तो आकाश दास अजय
बेसिक पैटर्न एज गैर है इसमें, नहीं 20W30 मैं मत यूज़ करो, 10W30 यूज़ करो, तो ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल होता है, ज़्यादा हाईवे राइड होता है, ज़्यादा हार्ड कोर राइड करते हो तो 10W40 यूज़ करो, कैस्ट्रॉल पावर ऑन, अदरवाइज मोटुल 1500, एनी एनी वन यू कैन चूज। वाइप लाइन ने साइलेंसर डस्ट आ गया है, देसी साइलेंसर ले बताएं कैसे सही करूँ। साइलेंसर अगर रस्ट आपका हो गया है तो साइलेंसर वो रस्टिंग को पहली बात तो सफाई करो अच्छे तरीके से स्मूथ करके, और उसके बाद एक हीट रेजिस्टेंट पेन आता है अमेजोन में, हीट रेजिस्टेंट, नॉर्मल पेंटिंग में वो जाएगा नहीं, हीट रेजिस्टिंग एक पेंट आता है मैट ब्लैक हीट रेजिस्टेंट पेंट आता है, उसको आप अच्छी तरीके से पेंट कर दो, ठीक है, दो दो लेयर का पेंट, दो लेयर पेंट कर दो हीट रेजिस्टेंट पेंट, याद रखना, और पहले उसको अच्छी तरह सफाई करो, घिस के स्मूथ करो और कर दो, तो आपका न्यू हो जाएगा और बाकी वो पेंट जाएगा भी नहीं, वो हीट रेजिस्टेंट होता है। तो ये कैन आता है 350, 400, 500 रुपये के अंदर, 500 रुपीज़ के अंदर, तो अच्छी क्वालिटी यूज़ करो तो हो जाएगा। और साइलेंसर की जो एरिया होता है ना उसमें कीचड़ ज़्यादा आता है, तो उसको रेगुलर या फिर हफ्ते में एक बार एटलीस्ट क्लियर, मतलब क्लीन रखो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कचरा जमता है, फ्रंट पोर्शन में है ना हवा लगेगा तो कचरा उसी के ऊपर पड़ेगा, तो इसलिए ये था एक छोटा सा टिप्स। जिसको भी कुछ लिखना है इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश टाइप इंग्लिश में करें तो बेहतर आसानी होती है। तो बाकी टाइम कितना हुआ, अभी बज रहा है, हो गए अभी 7:30 बजे में 3 मिनट बाकी है, भाई ब्लड नहीं सारे इंसान आ रहा है, हाँ हो गया, तो फटाफट कमेंट करो देखते हैं, और मेरा सेकेंड चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बंगाली चैनल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स भाई, मैं सोच रहा हूँ कि पेंटर से पेंट करवा लूँ। हाँ अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल लेवल का पेंटिंग, मतलब पेंट होता हुआ आप देखना चाहते हो सेटिस्फेक्शन वाला, तो पेंटर के साथ डिस्कशन करके पेंट करो, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे ना तो जब फर्स्ट टाइम अगर करोगे आप, कोई भी नॉलेज नहीं है तो गड़बड़ होगा ही होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं पहली बात, दूसरी बात आपको फिर पेंटर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि आप बात आगे आपको मज़ा आता है करने में, तो आप खुद से करो पहले, उसके बाद आप पेंटिंग के पास जाओ। अगर आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हो, ओनली रिजल्ट चाहते हो, कोई हेडेक नहीं लेना चाहते, तो पेंटर के पास जाओ, फिनिशिंग वाला काम होगा बट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो प्राइस लेता है, तो यही बात है ब्रो। क्या मुझे प्लैटिनम एज गियर ऑन बेसिक्स में बेसिक लेना चाहिए, क्या ये बाइक सही होगा? देखो बाइक तो सही है, बाइक में फीचर्स भर भर के है, अदर सेगमेंट में कोई सा भी कंपनी का बाइक इतना फीचर्स देगा नहीं, बाकी बाइक बहुत अच्छी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टॉप 13 बाइक्स इंडिया में अवेलेबल है 110 एंड 100 cc में, कौन से नंबर 1 पे है, कौन से नंबर 13 पे है और क्यों है, मैंने एक वीडियो बनाई है, जाओ जाके देखो, चैनल पे जाओ, उसमें सर्च करो टॉप 10, टॉप 13 बाइक्स डायनो वर्कशॉप सर्च करो, आपको मिल जाएगा पहले वीडियो देखो, और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बाइक आते हैं और आपको क्या लेना चाहिए, किस पर्पज़ से और किसका क्या फीचर्स मिलते हैं लेना चाहिए, तो आपको हेल्प होगा। बाकी प्लैटिना 100% ले सकते हो। संजय कोयल का ये कमेंट था कि मुझे प्लैटिना लेना चाहिए या फिर अदर बाइक लेना चाहिए। ओके, आप शाइन वगैरह देख सकते हो, वीडियो देखो 100 110 cc में, 125 cc का मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप कमेंट करते हो तो बनाऊंगा वीडियो, हाँ 110 cc का। सो गाइस 7:30 बज, अभी जस्ट बजे हैं 7:30, हो सकता है अभी ऑडियंस आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मैंने 7:30 बजे एक्चुअली अनाउंस कर दिया था, तो मैंने आधे घंटे 1 घंटा पहले लाइव स्टार्ट कर दिया था, तो देखते हैं। और दो लोग देख रहे हैं हमें, 10 लाइक हुए वीडियो में,
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करना चाहते हो, कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो अभी कमेंट करो, रिप्लाई 100% आएगा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं 100% दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। संजय कोयल ओरिजिनल माइलेज कितना देती है क्या प्लीज़ बताएं। वीडियो देखो ना, प्लैटिना माइलेज टेस्टिंग का वीडियो है, तो अगर आप BS6 बाइक परचेज कर रहे हो तो आपको रफली माइलेज दे देगी सिटी में 65 प्लस दे देगी, और हाईवे में 74 या फिर 75 का माइलेज देगी। ऑनेस्ट वाला, कोई भी हवा वाला नहीं, ऑनेस्ट वाला। बाकी आप विश्वास नहीं होता है, BS4 वाला प्लैटिना का वीडियो देखो, माइलेज टेस्टिंग का वीडियो है। मैंने 3 तरीके से माइलेज टेस्टिंग किया है, यूट्यूब में आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा इस तरीके से माइलेज टेस्टिंग, बिल्कुल जेन्युइन वाला। तो वो वाला वीडियो देखो, चैनल पे है प्लैटिना माइलेज टेस्टिंग डायनोनॉक्स, ये वाला वर्ड सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो जेन्युइन वीडियो होने वाला है बहुत मेहनत करके, तो वीडियो देखो पता चल जाएगा माइलेज बहुत अच्छी है। सो गाइज, मैंने जितने भी कमेंट्स आपने किए हैं सभी के आंसर हमने दिया है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से फॉलो करो, क्योंकि सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर 24/7 वहीं पे मैं करता हूँ, और वहाँ पे क्विक रिप्लाई आपको मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। फ़ोटो शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे इंस्टाग्राम में 100% फॉलो कीजिए अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है, हेल्प चाहिए, और असली में हेल्प चाहिए, तब आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैसेज करो, इजी रहता है। प्लैटिना एज गियर एंड प्लैटिना कंफर्ट 100cc कौन सा अच्छा है? प्लैटिना एज गियर इज बेटर, क्योंकि उसमें 5 गियर है, पहली बात उसमें पावर अच्छा है। प्लैटिना एज गियर में स्पीडोमीटर डिस्प्ले डिजिटल है, गियर पोजिशन इंडिकेटर है, सस्पेंशन अच्छा है, और ओवरऑल वेट प्लैटिना एज गियर का अच्छी है। तो स्टेबिलिटी के मामले में हाईवे में आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्लैटिना एज गियर देती है। तो 5 गियर है और 115cc का उसमें इंजन आता है, पावर ज़्यादा है। तो प्लैटिना एज गियर ऑलवेज बेस्ट देन प्लैटिना 100 कम्फर्टेक, और प्लैटिना 100 का प्राइस कम रहता है, प्लैटिना एज गियर का प्राइस ज़्यादा रहता है, पर उस ज़्यादा कुछ प्राइस को देके आप लाइफ में मज़े कर सकते हो। मैं इस मंथ में लेने वाला हूँ, इसलिए अपनी बंगाली ना। हाँ जी, देखो संजय कोयल भाई, आपका नाम से पता चला आप बंगाली हो, आई एम बंगाली पर्सन ऑल्सो, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैसेज करो, मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी है कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, क्यों अच्छी है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, लुक्स के हिसाब से देख सकते हो, मतलब हर किसी को प्लैटिना तो अच्छी नहीं लगे ना। तो बाकी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं कहूँगा 100% प्लैटिना एज गियर, प्लैटिना का कोई बजाज का कोई सा भी बाइक, मतलब प्लैटिना सेक्शन, प्लैटिना 100, प्लैटिना 110, एज गियर, CT 100 वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होती है। तो प्लैटिना एज गियर बहुत अच्छी बाइक, मतलब बहुत ही अच्छी बाइक है। अगर आप 100-110cc में लेना चाहते हैं, बाकी आप 125cc में लेना चाहते हैं तो साइन ले सकते हो, और TVS का कुछ मॉडल में भी नहीं आता है 125cc में, बाकी वो सेगमेंट अलग है। बाकी ये वाला जो सेगमेंट है वो माइलेज और थोड़ा बहुत पावर सेगमेंट है, और इसमें आप लॉन्ग मतलब लद्दाख भी जा सकते हो, लॉन्ग रूट भी कर सकते हो, तो फैमिली बाइक भी है, माइलेज मतलब बहुत अच्छी, तारीफ के ऊपर मैं तारीफ इसका कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बाइक है, इसलिए मैंने लिया है, अदरवाइज मैं तो दूसरी बाइक चूज़ करता ना, तो ये बात है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या आपको दिक्कत है, और फटाफट लाइव ज्वाइन करो, 7:30 बजे मैंने टाइम दिया था, तो अभी टाइम हो रहा है 7:35, मतलब 5 मिनट हो गए, मतलब जैसे मैंने टाइम दिया था उसके बाद 5 मिनट हो गए। नहीं नहीं नहीं, आई लव इट ब्रो, मैं हर एक वीडियो देखता हूँ आपका, लेकिन पिलियन लेके जा सक 100%, इसका जो पिलियन का सीट है वो राइडर के सीट से भी अच्छा है, कंफर्टेबल है। अब अगर आप गड्ढे में से जा रहे हो ना, तो उतना आपको पता नहीं चलेगा कि गड्ढे हैं या फिर सस्पेंशन बहुत
कंफर्टेबल है, पिलियन सीट ब्रॉड है, लॉन्ग है, आप तीन बंदे इजीली ले जा सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता, लद्दाख भी जा सकते हो क्योंकि प्लैटिना लेके बहुत दो तीन लोग लद्दाख गए हैं, ठीक है। और अगर आप प्लैटिना लेते हो लॉन्ग राइड कर सकते हो, कंफर्टेबल है, फैमिली बाइक है। एज ए स्टूडेंट मैं 100% इसको रिकमेंड करता हूँ। तो वैल्यूबल मनी प्रोडक्ट है, फीचर्स इसमें भर भर के है, मॉडिफिकेशन इसमें ईजिली हो जाती है इलेक्ट्रिकल के मामले में। तो मोटर टायर लगा सकते हो, डिस्क ब्रेक इसमें है, तो और क्या चाहिए। तो कंप्लीट छोटा पैकेज, कंप्लीट पैकेज ये वाला है। तो लद्दाख के साथ आप पिलियन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको स्लो स्लो मतलब पावर उतना अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि आप पिलियन अगर बिठाओगे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 110 cc बाइक है। बाकी आप ले जा सकते हो 40, 50, 60 के स्पीड में, पिलियन लेके आप किसी भी स्पीड में कितने भी लॉन्ग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंजन इसका बहुत अच्छा है और माइलेज तो बहुत अच्छी है, तो ये बात है। कभी अगर सपना ड्रीम पूरा होता है और कुछ हम जिंदगी में कुछ करते हैं आगे, तो डेफिनेटली प्लैटिना लेके हम लद्दाख जाएंगे। ये मैंने प्लैटिना लेने के पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि प्लैटिना हम लिए हैं ओनली फॉर पहली पहली जो पहली मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है लॉन्ग रूट, लॉन्ग ट्रैवल इसमें करूं, और सेकंड है माइलेज, और थर्ड है कंफर्ट। तो इसलिए मैंने प्लैटिना ली है। आप क्या कोलकाता से हो ब्रो? हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हो। कोलकाता में एक स्टेशन होता है हावड़ा स्टेशन, हावड़ा से या फिर कोलकाता से 72 किलोमीटर्स अंदर, मतलब बाई ट्रेन आपको कोलकाता फिर हावड़ा स्टेशन से 1.5 घंटा जर्नी करना, 1.5 घंटा जर्नी करना पड़े बाई ट्रेन। तो मेरा लोग इलाका पड़ जाता है कोलाघाट, काइंड ऑफ बोल सकते हो कोलकाता। जो लोग नहीं पहचानते कोलाघाट को, मैं कोलकाता बोल रहा हूँ। संजय गोयल जी, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, और बाकी बेहतर जानकारी के लिए वहीं पे बातचीत, मतलब कुछ पूछना हो कर सकते हो। तो गाइस 52 मिनट्स हो गए हैं, तो 1 घंटा होने वाला है लाइव को। 1 घंटे के बाद हम ट्राई करेंगे इस लाइव को, सेशन को ऑफ करें। मैंने आपका जितना भी क्वेश्चंस के आंसर 100% दे दिया है। तो अगर आप चाहते हो कोई लाइव सेशन ऐसा हो, आपका कमेंट हमारा आंसर ये वाला सेशन चले, तो कमेंट करो। और अगर आप चाहते हो कि हर संडे लाइव मतलब कमेंट बॉक्स वाला वीडियो आए कि आप कमेंट करो, तो एक बोलते हैं ना Q&A, तो अगर आप कमेंट करते हो तो ज़्यादा कमेंट मैं जो ज़्यादा कमेंट का मैं रिप्लाई इंस्टेंट दे देता हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन जमा नहीं होता है। पर स्टिल अगर आप चाहते हो तो मैं अगले संडे करूँगा। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो मुझको मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम में मैसेज करें, उससे वहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करके एक वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट संडे को अगर आप चाहते हो तो। अमी गारियते थाकी अच्छा सॉरी गोरिया गोरिया आसले प्लीज जानावेन, वी विल मीट डेफिनेटली। एक्चुअली मेरा कॉलेज है सियालदा पे, तो जब कॉलेज ओपन हो जाएगा तो हम सियालदा सियालदा जाएंगे, सियालदा कॉलेज जॉर्ज चलेगा, तो कर सकते हो कॉलेज में भी मीट मीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज 9 बजे से 12 बजे तक होता है, कोई नहीं। हम आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, अगर आप मीट करना चाहते हो, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम में बातचीत होता रहेगा, बाकी वहाँ से आप मीट कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया। तो गाइज 53 मिनट्स हो गए और 54 मिनट्स जस्ट हुए हैं, तो आशा करता हूँ मैंने सभी का रिप्लाई दे दिया है। बाइक ग्लोब्स अमरथन वेंकटेश ओनली सजेशन बाइक ग्लोब्स, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जी। अमरनाथ वेंकटेश भाई, ये वाला भाई बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, मतलब हर लाइव से मैक्स टू मैक्स ज्वाइन करते हैं और रेगुलर व्यूअर हैं। बाकी इसका कमेंट, इस भाई का कमेंट अभी रिसेंटली नहीं आता है वीडियो में, मैं नोटिस कर रहा हूँ। दिमाग में रहता है कुछ कुछ नाम, बाकी अगर ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करते हो तो। और ये वाला सेम प्रोफाइल पिक्चर हमको याद है, तो ये भाई कमेंट कर रहे हैं बाइक ग्लोब्स ओनली सजेशन। बाइक ग्लोब्स मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है।
बाइक ग्लोब्स, व्हाट डू मीन भाई बाइक ग्लोब्स? थोड़ा सा डिटेल में बताइए, उसके बाद हम अगर जानकारी मुझे रहा तो। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, बाइक ग्रुप्स। हाँ, ओ हैंड ग्लव्स। कैसे कैसे कमेंट करते हो भाई, क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखते हो क्या? हैंड ग्लव्स, बाइक हैंड ग्लव्स के बारे में वीडियो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया कमेंट है, क्योंकि देखो सर्दी का मौसम आने वाला है, तो हमने रिसेंटली सर्दी का मौसम मतलब विंटर सीजन के लिए ये वाला लाइट फॉग को काट देता है। अगर आप व्हाइट लाइट या फॉग लाइट, अगर जिस बाइक में एलईडी है वो तो फॉग में गया, उसका लाइट का स्प्रेड जाके मतलब ख़त्म हो जाएगा। हैलोजन वाला बल्ब अगर यूज़ करते हो तो वो फॉग को काट देता है, मतलब रास्ता क्लियर दिखाई देता है। और फॉग लाइट इंस्टॉल मैंने किया था, तो मैंने योलो लाइट इंस्टॉलेशन नहीं किया मेरे बाइक में, मेरे बाइक में व्हाइट फॉग लाइट ही इंस्टॉल है, उसके उसमें मैंने योलो कन्वर्सन किया था उसको स्पॉट स्पेसिफिक विंटर सीजन। तो वो वाला वीडियो देखो, 4-5 रुपये में आपका काम हो जाएगा, घर में कर सकते हो। बाकी फॉग काटने में विंटर फॉगी सीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं योलो लाइट, आपको पता है योलो लाइट। तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास फॉग लाइट है व्हाइट वाला तो उसको भी उसको ही आप उसी को आप योलो में कॉन्वर्ट कर सकते हो। रिसेंटली मैंने चैनल पे जाओ, वीडियो 2-3 वीडियो स्विप करो, देखो मिल जाएगा। तो और विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छी एक टॉपिक मुझे मिला कि हैंड ग्लव्स कौन सा यूज़ करो, कौन सा कंपनी का। ऑब्वियसली भाई सस्ते में, ज़्यादा महंगा नहीं, 5-6 हज़ार का नहीं भाई, तो 5-6 हज़ार में तो बाइक आ जाती है, नहीं बाइक नहीं आती भाई। तो 400-500 500 रुपीज़ के अंदर कौन सा ग्लव्स, देखता हूँ मैं, अगर परचेस करता हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, और मैं यूज़ करके भी बताऊँगा। एक ब्लॉग प्रॉपर आएगा कि हैंड ग्लव्स के ऊपर इसी चैनल पे, तो कौन सा ब्लॉग आप कौन सा हैंड ग्लव्स ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर योर गुड सजेशन अबाउट ग्लव्स वाला टॉपिक। तो वीडियो आएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो बाय द वे, और वो वाला टॉपिक आप इंस्टाग्राम मुझे सजेस्ट कर दो। तो सस्ते वाला कोई अच्छा सा फॉर स्पेसिफिक विंटर सीजन या फिर एनी लॉन्ग राइड, तो ट्राई करूँगा कि मैं रिसर्च करके सर्च करके अच्छे वाला आपको एक हैंड ग्लव्स दिखा सकूँ। और चीप राइडिंग गियर्स प्लीज़, संजय कोयल भाई, अगर आप गोरिया में रह रहे हो, संजय संजय भाई, तो राइडिंग ग्लव्स के बारे में मैं जब कॉलेज जाऊँगा, एक बंदे ने मुझे फ़ोटो भेजा था कि राइडिंग ग्लव्स उसने परचेस किया है, और राइडिंग जैकेट और राइडिंग गियर्स सस्ते में 4 हज़ार रुपये के अंदर कंप्लीट हो गया है, ठीक है सभी चीज़ें। तो डेफिनेटली मैं उसके पास पिक लाऊंगा, उसके उसको लाने के लिए बोलूँगा, वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर। और वेलिंगटन में वो मिल जाता है चीज़ें, एक चाहो एक प्रॉपर एक वीडियो भी आएगा मेरे बंगाली वाले चैनल पे, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। बाकी बहुत सारे सजेशन आप दे रहे हो, मज़ा आ रहा है, ठीक है हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। राइडिंग गियर जी भाई, भाई चीप का हमें बोलने की चीप जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहीं कभी भी महंगा चीज़ इस चैनल पे सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी ऑडियंस है और मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, तो बार्गेनिंग भाई 100% होता है। और अच्छा सा कोई प्रोडक्ट कम से कम दाम में हम इस चैनल पे खोजते हैं, और मैं भी पर्सनली खोजता हूँ, तो चीप बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम चीप ही लाएंगे, महंगा नहीं परचेज कर सकते, और अच्छे क्वालिटी का लाएंगे। मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी यही है, मेरे जितने भी ऑडियंस है कोई तो अम्बानी है नहीं, सभी मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स चीप ही खोजते हैं, और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट खोजते हैं कम प्राइस में, वो भी उस काइंड ऑफ लड़का मैं हूँ, अब भी मैं भी हो। बेंगोली चैनल का नाम प्लीज़ बताइए भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, माई सेकेंड चैनल, सेकेंड बेंगोली चैनल, TIW Bong, TIWBONG बॉन्ग, उस चैनल को जाओ, दिस इज दैट वॉज माई सेकेंड चैनल जी। हम भी मिडिल क्लास से हैं भाई, अगर आप महंगे, देखो एक चीज़, अगर आप महंगी सोच रखते हो तो हम मेरा आप मेरे जैसे चैनल का आप क्यों सर्च करोगे? कम पैसे में मॉडिफिकेशन, कम पैसे में जुगाड़, मतलब अदर चीज़ें टेक्निकल वाला, ठीक है पैसा अगर होता आपके पास तो आप अदर्स चैनल सर्च करते ना, मॉडिफिकेशन वाला मतलब हाई फाई मॉडिफिकेशन वाला, 1.5-2 लाख वाला, इस चैनल पे आप लैंड नहीं करते। तो पता रहता है कि कौन क्या है, पता चल जाता है, आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ बॉय।
तो चलो लाइव को आगे बढ़ाते हैं, और 1 घंटा होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, और ये 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से हम लाइव हैं, 12 लाइक हुए हैं। व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज आई फेल डाउन एंड रिस्ट पेन। समझ गया आज भाई, ट्राई करूँगा मैं आपको राइडिंग गियर्स दूँ, बट अगर आप राइडिंग गियर्स पहन के राइड करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट हर टाइम तो आप राइड नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप सिर्फ एल्बो एल्बो गार्ड पहन सकते हो, या फिर हैंड ग्लास पहन सकते हो, उसमें हाथ प्रोटेक्ट हो जाता है। बाकी तो ट्राई करूँगा मैं आपको अच्छे से एक ये वाला वीडियो जल्दी लाऊँ, हैंड ग्लास वाला वीडियो स्पेशली, और विंटर के लिए भी वो बहुत काम का चीज़ होता है अगर आप विंटर में राइड कर रहे हो तो। जी डेफिनेटली लाऊंगा मैं। तो गाइस अभी लाइव सेशन को ऑफ करते हैं, तो आशा करता हूँ जितने भी ऑडियंस जुड़े थे मेरे साथ, आशा करता हूँ उसको मज़ा आया होगा इस लाइव सेशन में। अगर मज़ा आया तो भाई सभी लोग एक बार लिख दो कि हाँ गाइस आपके चैनल मतलब मुझे हेल्प हुआ, मुझे मज़ा आया इस लाइव सेशन में, और आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर आप मतलब जो भी कमेंट करते हो, कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगा ना। तो चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं। वेटिंग फॉर न्यूज़, न्यू वीडियो, न्यूज़ वीडियो, वेटिंग फॉर न्यू। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर डे एक वीडियो आएगा। 30 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है, 30 डे 30 वीडियो चैलेंज मैंने लिया है, तो डेफिनेटली कल एक वीडियो आएगा। आज तो ये वाला वीडियो आपने देख लिया, तो कल एक न्यू वाला वीडियो आएगा, और ये वाला वीडियो लाइव मे बी कल अपलोड होगा, क्योंकि यूट्यूब का ये रूल है, आज नहीं अपलोड होता है कल अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, कमेंट करो। यस ब्रो यू ऑलवेज हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करो। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कमेंट करो। अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आते, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करो, और मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अभी 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग बोल दो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैं इस लाइव को ऑफ कर दूंगा। बाकी अगर आप लाइव अभी भी करना कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज फालतू में नहीं बैठूंगा अभी, क्योंकि मैं 1 घंटा से मैं बक बक कर रहा हूँ, दर्द हो रहा है सर में भी मुंह में भी। अगर आप कमेंट करते हो तो वो दर्द चला जाएगा, अगर कमेंट नहीं करोगे तो वो दर्द रहेगा और मैं लाइव पॉप कर दूँगा। सर आपका मोबाइल नंबर? हमारा मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मजाक कर रहे हैं, मजाक करना नहीं चाहिए, करनी चाहिए। मोबाइल नंबर के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहाँ पे बातचीत होता रहेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। यस ब्रो थैंक्स फॉर योर काइंड हेल्पफुल, ये सॉल्व हो गया है। संजय कोयल जी फ्रॉम गोड़िया, छह लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं। अरे लाइक कमेंट तो करो भाई, कमेंट करो, हम कमेंट के लिए बैठे हैं, आप कमेंट करो, मतलब सिर्फ आपके हेल्प के लिए बैठे हैं। अदरवाइज इसमें इससे मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाला, कि आप सोच रहे हो कि पैसे मिल जाएगा करोड़पति से, तो आपके हेल्प के लिए बैठे हैं कि कर रहे हैं ऑनली बता रहे, क्योंकि ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट रहता है, और ऑडियंस अगर आप बहुत दिनों का लाइव नहीं करते हो तो अचानक लाइव करते हो, बहुत सारा क्वेश्चन पेंडिंग रहता है कि ये वाला पूछो ये वाला पूछो, इसलिए हम आपको मौका दे रहे हैं, कमेंट करो पूछो मॉडिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक बॉक्स में आगे क्या प्लानिंग है मॉडिफिकेशन के बारे में, क्या प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, और किस प्राइस रेंज में करेंगे, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो लाइव लाइव सेशन को आप दोबारा देख सकते हो। तो जितने वो लोग अभी जुड़े हो कमेंट करो, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो आशा करता हूँ सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी आप इस लाइव को ऑफ करते हैं, अभी आप कमेंट नहीं करो, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बेहतर जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिया रहेगा, तो वहाँ से मुझे जितने भी सोशल मीडिया है मुझे फॉलो कर सकते हो, और 100% आपको फॉलो करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और पास में जो बिल का बटन है उसको ऑल प्रेस करो, मतलब प्रेस करो, उसके बाद ऑल ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन, ऑल प्रेस करो हो जाता है। और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं कल ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
इंटरेस्टिंग टेक्निकल मोटिवेशन वाला या फिर ऑटोमोबाइल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और मुझे आप कमेंट मतलब टॉपिक सजेस्ट कर दो कि भाई आपको इस टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और मुझे टॉपिक सजेस्ट करें, तो आपका टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे से रहें और स्माइल करें हमेशा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।